wife. Boy, we still here. Just don't suffer. I don't know, man. Okay, ठीक है, don't judge me, man. Don't judge me. मैंने क्या कहा था कल? पाप लगे साले तुम लोगों की वजह से मैं कल 10 मिनट की वीडियो नहीं बना पाया. मैं आज 10 मिनट की वीडियो नहीं बना पाऊंगा. भाई साहब कल ना कल जैसे न्यूजीलैंड ने खेला था सब मीम बना रहे थे भाई साहब. पूरा दिन तुमने कल न्यूजीलैंड की मारी थी. मैं मजाक नहीं कर रहा, सीरियसली मीम्स हैं ये भाई. न्यूजीलैंड के बैटमैन से ज्यादा तो इंग्लैंड की बारिश चल गई. हमें थोड़ी पता था कि ये सेम मीम हम आज भी यूज कर सकते हैं. अबे इंडियन बैट्समैन की इनिंग से ज्यादा तो बारिश चल गई इंग्लैंड की. तुम किसी को भी विनर मान लो, मैं मानता हूँ इंग्लैंड की बारिश जीती है. सबसे अच्छा उसने ही खेला है. साले कुत्तों की जिंदगी. भाई साहब कल जैसा मैच था ना, वैसे तो अमिताभ बच्चन भी मीम शेयर कर रहे थे, खुद का अपना मीम. हमें थोड़ी पता था आज ऐसा हगना हमने. मतलब सीरियसली 4 विकेट शुरुआत क्या किया लोगों ने, मुझे नहीं पता. मैं सही बता रहा हूँ, मैं जब तक उठा तब तक 3 विकेट डाउन थे. मैं उठा सोचा गलत नंबर दिखा रहे हैं, 0 पे 3 का 3 रन पे 0 विकेट है. फिर मैं उठ के देखा हॉटस्टार, फिर पता चला नहीं बे. Why are we still here? भाई साहब वो स्कोर देख के तो मेरे अंदर का हर्षद वारसी निकल गया. हिला ये तो शुरुआत खत्म हो या क्या. हमारे बैट्समैन ने इतना गंदा खेला ना ओपनिंग लाइन ऑर्डर ने कि नेटफ्लिक्स इंडिया वालों ने मजे ले लिए. अपना प्लग मारते सालों ने. तो सारे हिंदुस्तानी जो अभी मैच देख रहे हैं, भगवान मानते हो क्या? क्योंकि मानते हो ना तो हमें दुआओं की जरूरत है. और मैं एग्री करता हूँ, इस बार कम ऐसा होता जहाँ पे नेटफ्लिक्स की बातों से मैं एग्री मारता हूँ. बट यहाँ पे मैं भी मान रहा था. जब तक हमारा 6th विकेट गिरा ना भाई साहब, दिल से आवाज हो रही है और कितना जिगी निकलने वाले हो वे, कोई तो टिक जाओ. हार्दिक पांड्या ने उम्मीद दी मेरे को. मतलब हार्दिक पांडे धोनी आए, मैं बस हो गया, शाबाश अब जीतेंगे. पता नहीं क्या भाई साहब, जब हार्दिक पांडे गया ना, मेरे बैकग्राउंड में गाने बज रहे थे. जब रुलाना ही था हमें तो फिर हंसाया क्यों, मैं रोऊं या हंसूं, मैं करूं तो मैं क्या करूं. कल तक मैं सारे लोग चिल्ला रहे थे धोनी बूढ़ा हो गया. आज साले जब धोनी बैटिंग कर रहा था और हार्दिक पांडे आया ना, सबकी निगाहें धोनी पे थी. तुम ही हो बंधु सका तू का चुप चुप बिल्कुल चुप. और साले आज किसी ने कमेंट में धोनी को गाली दी ना, गांड टूट जाएगी तुम्हारी. धोनी ने इतनी अच्छी पार्टनरशिप निभाई है ना. आई नो सर जडेजा ने अपना नाम जस्टिफाई करा है कि सर क्यों कहते हैं. जब जडेजा का पहला छक्का पड़ा, दूसरा छक्का पड़ा, तीसरा छक्का, तो मैं खुद संजय मंजरेकर का सोच रहा था भाई कहां है संजय कहां हो तुम. बड़ी गांड मारी ना साले, जवाब दे के गया तुम्हारी मां का पकौड़ा. भाई साहब इतने तो संजय ने मैच नहीं खेलेंगे जितना जडेजा सर ने रन मार दिए. True story, bro. बहुत हार्ड क्या? साला कल जब मैं न्यूजीलैंड की बैटिंग लाइन देख रहा था ना, मैं क्या ये चूके 150 पे खत्म हुए. अपने को थोड़ी मारा था, हमारे सिक्के भी खोटे निकलेंगे. सच में यार साला एक पार्टनरशिप चाहिए थी अच्छी खासी. वो कब मिल रही है? मैं 7वें विकेट पे. आई मीन सीरियसली मजाक चल रहा है यहाँ पे. बर्गर खिलाओ, पिज्जा खिलाओ, इन्हें टंगा लड़वा इनसे. ऑफकोर्स थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ, बट क्लियरली सब मजाक है. बैड लगे यार, बस बैड लगे और कुछ नहीं है. की फर्स्ट टाइम में हारे, टॉप पे थे तो बस नजर लग गई हमें दूसरी कंट्री की, बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं है. वी लव विराट कोहली, वी लव रोहित शर्मा, वी लव, आई डोंट लव केएल राहुल. तुम लोग ही कह रहे थे बेंचो रखो गांड मरा लो बेंचो. मेरे को पहले एक दिन पहले गाली दे देनी चाहिए उसको, साला आज तो खेल के जाता कम से कम. हार्दिक पांड्या ने उम्मीद जगाई. सर जडेजा यू रॉक मैन, यू रॉक, वी लव यू मैन, वी लव यू. और धोनी भैया हमारे माही है. पता है मैं मजाक नहीं कर रहा, एक पॉइंट पे ना पूरा इंडिया धोनी पे लगा था. सर कुछ करिए, सर आप ही कुछ कर सकते हैं सर. और तो मुझे अभी भी लगता है उसे डबल नहीं लेना चाहिए था, उसे रन देना चाहिए था. भुवनेश्वर के पास बैटिंग यार, अगर आउट भी हो जाता रन लेते हुए रन आउट करवाते, जाके बैटिंग तेरे पास ही आती, फिर भी नहीं सुनना ही नहीं. ठीक है किस्मत बुरी है भाई, रन आउट हो रहे हैं धोनी सर रन आउट हो रहे हैं, जिंदगी बर्बाद हो गई है. सो जो भी था, इट वॉज नाइस गेम. मेरा दिल एकदम ना भाई छाती के बाहर आ रखा था. तो अरे नहीं, जस्ट अ स्पोर्ट्स मैन. हार गए हार जीत चलती रहती है मैन. आज हम आ रहे हैं, कल वो आ रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है. ऑस्ट्रेलिया के साथ ही होने वाला, इंग्लैंड भी हारने वाली है. और इंग्लैंड जीत भी गई ना तो उन्हीं का घर है, साले कुत्ता बना के मारेंगे बहन चो तुम्हें. न्यूजीलैंड वाला तुम्हारी माँ का पकौड़ा. कोई नहीं, इस साल नहीं तो अगले साल सही. गेम है, गेम की तरह लो. हाँ ठीक है, मुझे मालूम है बुरा लगता है, और मैंने प्रॉमिस किया था कि लाइव स्ट्रीम करेंगे अगर इंडिया जीतती है. कोई नहीं, दर्द बांटने से कम होता है. लाइव आ रहा हूँ थोड़ी देर में, फिर बात के साथ साथ दर्द बांटेंगे. आज एक पैग एक्स्ट्रा लगेगा रवि शास्त्री का मेरे साथ. तेरी माँ का पकौड़ा माधव साहब, कहा था माल मत फूक साले, सिखाने के लिए बोला था, माल फूक के बैठा हुआ है. Stop it. Get some help. देखो दुख बहुत है, बट कुछ भी कहो मैच बहुत इंटरेस्टिंग था. जैसा ओपनिंग हुआ और जैसा एंड में रिजल्ट है, मैं खुश हूँ. मेरे को मतलब एक गेम में जो मजा आना चाहिए था, जो एंटरटेनमेंट होना चाहिए था वो था. बट आई ये मेरे ओपिनियन है, फील फ्री टू लेट मी नो तुम्हें क्या लग रहा है, तुम्हें कैसी फीलिंग आ रही है, क्या तुम मेरी तरह सैड हो या तुम मेरी तरह सेटिस्फाई हो या तुम एकदम अपोजिट डायरेक्शन हो. लेट मी नो मैन, क्योंकि इसी नोट पे गेट टू बोलने का ये एपिसोड खत्म कर रहे हैं. आई होप तुम लोगों ने एंजॉय किया हो, और अगर एंजॉय किया स्मैक द लाइक बटन, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड जॉइन मी ऑन इंस्टाग्राम, क्योंकि लाइव स्ट्रीम तो थोड़ी देर में मिलते हैं.
तब तक के लिए पीस आउट। आज का क्या, किसी पे हंसने से अच्छा है किसी के साथ हंसो। ट्रू स्टोरी ब्रो।